हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 11 बजे हैं और हम नहा धो करके देख लीजिए रेडी हो गए हैं और मेरा पूजा भी हो गया है। और इधर देखे हम स्कूल से आ गया है, ये पहले ही आज स्कूल से आ गया। और स्कूल से आते के साथ देखिए क्या खरीद के लाया हूँ। इसका क्या नाम है मोहित? बेलकुट, इसको बेलकुट कहते हैं। खट्टा मीठा लगता है खाने में। तो अभी जा रहे हैं मोहित को खाना देने के लिए और हम भी खाएंगे खाना। तो अभी अभी हम जा रहे हैं खाना निकालने के लिए। हम और मेरी ननद दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। और मोहित देखिए यहाँ पर स्कूल बैग लेकर के बैठा है और बेलकुट खा रहा है मोहित यहाँ पे। तो वो ट्यूशन का होमवर्क करेगा और हम जब खाना खाएंगे तो उसको खिला भी देंगे हम, क्योंकि इसका ट्यूशन 4 बजे की है। अभी होमवर्क नहीं करेगा तो बाद में भी नहीं करता होमवर्क। तो चलिए फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे ब्लॉग को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए हम जाते हैं खाना निकालने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा खाना गर्मा गर्म चावल, भात से धुआं निकल रहा है और टमाटर की चटनी और लौकी का कोफ्ता और रोटी। तो चलिए खाना खाने के लिए और आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। मम्मी अभी यहाँ खाना खा रही है फूआ के साथ। अभी मम्मी खाना खा रही है। खाने में तुमको भी क्या खिला? क्या क्या है खाने में? रोटी, टमाटर की चटनी, तीखी है। तो फ्रेंड, हम खाना खाने के बाद सो गए थे और मेरे साथ पार्थ भी सोया था, लेकिन वो अभी तक सो करके नहीं उठा है। ये देखिए अभी तक नहीं सो करके उठा। उसको सोने के लिए देते हैं, नहीं तो कच्चा नींद उठ जाएगा तो फिर वो बहुत परेशान करेगा। और अभी हम आपको बाहर का वेदर दिखाते हैं। आज का मौसम थोड़ा बहुत अच्छा है, बारिश आज नहीं हुई है, लेकिन मौसम है बारिश जैसा, कभी भी बारिश हो सकती है। तो फ्रेंड, आज बाहर का मौसम साफ है और यहाँ देख लीजिए ये उठ गया है। पार्ट उठ जा, उठो, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो ना, बोल दो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इसका बोलने का मन नहीं है आज, बोलने का मन नहीं है, बोलने का मन नहीं है, बोलने का मन नहीं। बाबू रे उठ जा, बोलो ना, बोलना बोलना बोलना। मैं जा रही हूँ तो फिर उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अरे इधर से उधर, इधर से उधर कर रहा है ये तो लड़का। उठ जा और सोएगा, और सोएगा तुम। बाप रे, ये तो इधर से उधर मुंडी को कर रहा है। बाबू रे, बाबू राव, बाबू राव। ठीक है, सो। तभी उसका मन नहीं है, लगता वो और सोएगा, अभी कच्चा नींद उठ गया है। और अभी आपको दिखाएंगे कशिश कितना टाइम हुआ है। 5:30 हो गया, कशिश आती ही होगी। और पता नहीं इसकी मम्मी कहाँ चली गई है, अभी तक आई नहीं है। बोली 10 मिनट में आती हूँ, लेकिन अभी तक आई नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। देखिए अभी सच में सो करके उठ गया है। ताली बजा दो, ताली बजाओ।
प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, प्रणाम। इसकी मम्मी अभी तक आई नहीं है। कहाँ गई तेरी मम्मी? नहीं आई रे बाबू, बोलो। गुस्सा आया हुआ है? गुस्सा है, गुस्सा है। बाय बाय करेगा क्या? बाय करेगा किसको? देख रहा है ये देखे फ्रेंड, कोमल की मम्मी आ गई है। कोमल का स्कूल ड्रेस ले आना, पूरा ड्रेस निकाल के दे ना। आइए ना देखो, कोमल का स्कूल ड्रेस लाने के लिए गए थे। और इधर देखे पार्थ और उसके पापा खड़े हम। स्कूल लोअर, ये स्कूल ड्रेस है कोमल का। ये सैटरडे को और वेडनेसडे को पहन के जाना है। और डेली डेली का ये लोअर है। लोअर एक ही लिया, अभी बाद में एक लेंगे। कोमलिस हो गई है, पढ़ाई कर रही है बाहर। कोमल और देखिए कोमल भी आ गई। कोमल भी गई थी स्कूल ड्रेस लाने के लिए अपनी मम्मी के साथ। कोमल कैसा लग रहा है स्कूल ड्रेस ला करके? कैसा लग रहा है कोमल? कैसा लग रहा है तुमको? लग रहा है कि स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने में की रोज होती है। तो अभी कोमल स्कूल का होमवर्क कर रही है। देखिए पूरा होमवर्क कर रही है। देखिएगा गिरेगा जी। तो फ्रेंड ये लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं कोमल, और हम भी अपना काम करने के लिए चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। क्योंकि जब ये लोग पढ़ के उठेंगे तो उन लोग को भूख भी लगा हुआ रहेगा। तो मम्मी फोन पे बात कर रही है और अभी हम चलते हैं खाना बनाने के लिए किचन। तो अभी फ्रेंड हम खाना बना लिए हैं और रात के 10 बज गए और अभी हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। बाहर में मम्मी पापा कशिश लोग खाना खा रहे हैं और हम रूम में आए हैं लेकर के खाना खाने के लिए रोटी और सब्जी। तो चलिए फ्रेंड हम मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। मेरे ब्लॉग बने रहिए। तो फ्रेंड अभी हम लोग का खाना हो गया रात का और हम लोग आ गए सोने के लिए। इधर देख लीजिए कशिश और मोहित सो गया है। कशिश जगी हुई है, मोहित सो गया है। और कशिश हमेशा जगी हुई रहती है। तो फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, बाय। बाय फ्रेंड, बाय।